फ्रेंड्स मैजिकल थ्रेड्स भी आपका स्वागत है आज हम इस तरह की कैप बनाएंगे। ये कैप मैंने 22 इंच हेड राउंड के लिए बनाई है जो हेड का राउंड है ये टोटल 22 इंच है 22 इंच और इसके ऊपर हमने ये फ्लार बना के लगाए हैं इस फ्लार की वीडियो अपलोड हो गई है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से देख कर फ्लार बना सकते हैं और वीडियो को आप कंप्लीट सुने वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है इसे आपने छोटे साइज में या बड़े साइज में किस तरह से बनाना है और कैप बनाने के लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है और जो हमने फ्रंट के ऊपर बॉर्डर बनाया है उसके लिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया हुक लिया है बॉर्डर ताकि आगे से उसकी ग्रिप पाए तो हमने 12 नंबर क्रोशिया लिया है तीन प्लाई की मैंने इसके लिए वूल ली है 85 ग्राम टोटल इसके लिए वूल यूज़ हुई है और इसके ऊपर जो मैंने मोती लगाए हैं ये आठ नंबर मोती हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टार्ट करेंगे तो ये एक चेन बनी हमारे पास दो तीन चार पाँच चेन लिए मैंने पाँच चेन लेकर फर्स्ट चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे उसके बाद एक दो तीन चेन लिए हमने तीन चेन लेकर यहाँ पर ये यह जो हमारे पास छोटा सा होल है यहाँ पर हम क्रोशे वर्क करेंगे यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं ये धागा लिया इस होल में हमने हुक डाला ये तीन है फर्स्ट टू निकाल दिए फिर दो से एक किए फिर धागा लिया ये देखिए ये तीन है धागा लेकर दो निकाल दिए फिर दो हैं दो से एक किया तो यहाँ पर हमने तीन की चेन बनाई है एक डबल क्रोशिया उसे मानेंगे उसके बाद हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए तो टोटल जो हमारे पास चार हो गए इस डबल इस चेन को हम हर राउंड में एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे ये तीन की चेन को तो ये चार हो गए पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पंद्रह तो साइड वाली चेन को मिलाकर टोटल मैंने यहाँ पर पंद्रह डबल कुर्सिया बनाए फिफ्टीन एक दो तीन थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया इसके बाद एक दो तीन चेन लिए जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है सेम इसी जगह फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे तो यहाँ पर एक जो तीन की चेन है एक ये डबल क्रोशिया है तो इस स्टिच में ये तीन की चेन वाले स्टिच में ये दो काउंट होंगे इसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने दो बार डबल क्रोशिया करना है एक बार बनाया सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे तो ये दो हो गए फिर नेक्स्ट चेन में दो बनाएंगे एक बनाया फिर सेम इसी स्टिच में फिर से बनाएंगे तो ये देखिए ये दो हैं फिर दो हैं फिर दो हर चेन में दो डबल क्रोशिया करेंगे थर्ड चेन में राउंड को ज्वाइन किया इसके बाद एक दो तीन चेन लिए फर्स्ट राउंड में देखिए मेरे पास फिफ्टीन तो थे पंद्रह सेकेंड राउंड में ये थर्टी हो गए तीस तो अब हमने यहाँ पर बनाया एक बार इसके ऊपर ये एक के तीन की चेन के ऊपर एक हमने बना लिया ये तीन की चेन अब हमने नेक्स्ट चेन में दो बार बनाना है ये एक बनाया सेम इसी स्टिच में फिर से बनाएंगे ये दो फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे फिर यहां पर फिर से बनाएंगे फिर एक बनाएंगे हर सेकंड चेन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे राउंड को कंप्लीट करेंगे देखिए ये एक फिर ये दो फिर एक फिर दो एक और दो तो अब इस राउंड में मेरे पास ये फोर्टी फाइव हो गए पैंतालीस थर्ड राउंड कंप्लीट होने पर अब हम नेक्स्ट में एक बनाएंगे देखिए ये चेन के ऊपर ये चेन आ गई अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने एक बार बनाया फिर नेक्स्ट चेन में हमने दो बनाने हैं देखिए ये एक फिर एक उसके बाद दो हर थर्ड चेन में दो डबल क्रशिया करेंगे एक बनाया फिर नेक्स्ट में एक बनाया फिर नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पर दो बनाएंगे एक देखिए एक एक दो एक, एक दो थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया इसके बाद एक दो तीन चेन लिए फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में बनाया इसके बाद यहाँ पर दो बनाएंगे यहाँ पर ये पंद्रह थे फिर ये तीस हो गए फिर पैंतालीस हो गए यहाँ पर ये यह साठ हो गए सिक्सटी तो अब हमने देखिए यहां पर देखिए एक और दो छोड़ के थर्ड में हमने बढ़ाया है इंक्रीज़ किया है अब हम एक और दो और तीन छोड़ के फोर्थ में इंक्रीज करेंगे तो इस स्टिच में हम एक बार और बनाएंगे फिर नेक्स्ट में एक बनाया फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे सेम इसी स्टिच में फिर से बनाएंगे देखिए ये एक फिर एक एक फिर दो हैं एक, एक, एक दो तो देखिए एक दो तीन चार पाँच हमारे कंप्लीट हो गए राउंड और यहाँ पर मेरे पास सेवेंटी फाइव स्टिच है पचहत्तर तीन चेन लिए नेक्स्ट चेन में बनाएंगे फिर नेक्स्ट में बनाया फिर नेक्स्ट में बनाया अब हम यहाँ पर दो बार बनाएंगे एक बार बनाया फिर सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये दो बार बनाया एक 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 एक। फिफ्थ में हमने दो बार बनाना है ये देखिए ये एक बनाया, एक, बनाया, एक बनाया फिर नेक्स्ट में एक बनाया फिर नेक्स्ट में एक बनाया फिर नेक्स्ट में एक बनाया अब यहाँ पर दो बनाएंगे डबल क्रोशिया एक और सेम स्टिच में फिर से बनाया ये देखिए ये दो बनाए हैं उसके बाद एक 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 फिर दो हैं राउंड को कंप्लीट कर लें तो अब यहाँ पर ये एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स राउंड कंप्लीट होने पर यहाँ पर मेरे पास नाइन्टी स्टिच हो जाएंगे नब्बे तो ये देखिए लास्ट में हमने दो बार बनाया हर बार जब हम लास्ट राउंड का लास्ट में आते हैं एंड में आते हैं तो ये देखिए दो हैं दो हैं दो हैं यहाँ पर भी दो हैं एक दो तीन राउंड के एंड में हम दो स्टिच बनाते हैं तो अब देखिए ये हमारे पास टोटल छः राउंड हैं एक दो तीन चार पाँच छः फिफ्टीन हमारे पास स्टार्ट में थे तो फिफ्टीन को हम छः पे मल्टीप्लाई करेंगे पंद्रह को छः पे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये नाइन्टी आएगा नब्बे इस हिसाब से हमारे पास नाइन्टी स्टिच है तीन चेन लिए नेक्स्ट राउंड में हमने एक बनाया नेक्स्ट चेन में फिर नेक्स्ट में एक बनाया फिर नेक्स्ट में एक बनाया फिर नेक्स्ट में एक बनाया अब हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे कोई इंक्रीज नहीं करेंगे और 90 स्टिच है हमारे पास नब्बे तो नब्बे के साथ कंटिन्यू करेंगे हर स्टिच में एक बनाएंगे। तो सेवन्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया अब हमने हर स्टिच में एक बार बनाया है तो हमने लास्ट में भी ये देखिए एक बार बनाया है इससे पहले जो राउंड था वहाँ दो थे एक दो तीन थर्ड चेन में जॉइन करेंगे तीन चेन लिए फिर नेक्स्ट में बनाया एक बार फिर नेक्स्ट में बनाया एक बार फिर नेक्स्ट में, नेक्स में एक फिर हमने एक बनाया फिर एक बनाया हर स्टिच में एक हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इसके बाद हम जितने भी राउंड बनाएंगे सभी में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इतनी मैंने कैप बना ली है टोटल राउंड काउंट करेंगे यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः छः तक हमने इंक्रीज किया था सिक्स राउंड तक हमने इंक्रीज किया है उसके बाद देखिए ये सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह टोटल सेवनटीन राउंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक और जो इसकी लेंथ तैयार हुई है ये देखिए सात इंच इसकी लेंथ तैयार हुई है सेवन इंच अब हम यहाँ पर आगे फ्रंट का बॉर्डर बनाएंगे ये देखिए ये सारी कैप जो मैंने बनाई है ये ग्यारह नंबर क्रोशिया हुक पर बनाई है लेकिन जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो वो हम बारह नंबर क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे ताकि फ्रंट से हमें जो बॉर्डर है वो टाइट रहेगा तो कैप आपकी खुलेगी नहीं माथे से गिरे गिरेगी नहीं लूज़ नहीं रहेगी तो एक नंबर बड़े पे हमने जैसे ग्यारह की बजाय बारह के ऊपर हमने बॉर्डर बनाना है तीन हमने चेन लिए तीन चेन लेकर ये देखिए ये तीन चेन लिए हैं फिर नेक्स्ट में हमने इस तरह से बैक साइड से पूरे स्टिच को उठाएंगे इस तरह से और बैक पोस्ट करेंगे फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टिच को फ्रंट साइड से उठाएंगे फिर हमने धागा लिया नेक्स्ट स्टिच को बैक साइड से इस तरह से उठाएंगे एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे एक हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे इसी तरह से हमने ये रो रो करनी है ये देखिए ये बैक साइड से हमने इस तरह से पूरे स्टिच को लेना है हमने चेन नहीं ली हमने यहाँ से ऐसे होल में डालेंगे इस होल से निकाल लेंगे तो ये हमारा बैक पोस्ट है फिर इसी तरह से ये फ्रंट साइड से इस स्टिच को उठाएंगे तो ये फ्रंट पोस्ट है रो को कंप्लीट कर लें तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट के साथ मैंने कंप्लीट किया अब हमने इसे ज्वाइन करना है ज्वाइन हम किस तरह से करेंगे ये देखिए वैसे तो हम ये तीन की चेन में ज्वाइन कर देते हैं लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से इसे उठाएँगे ये देखिए ये हमने ये तीन की चेन है उसके बाद ये हमारा बैक पोस्ट था तो ये बैक पोस्ट है ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया और ये लास्ट में हमने बैक पोस्ट किया है ये देखिए ये फ्रंट है ये बैक है तो अब हमने इसे फ्रंट पोस्ट की तरह बनाना है जो तीन की चेन है तो इसे हम इस तरह से उठाएंगे जैसे हम फ्रंट पोस्ट को लेते हैं यहां से लेकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे तो यहां से उठाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रंट पोस्ट की तरह बनेगा इसके बाद दो चेन लेंगे वैसे हम जो रो स्टार्ट करते हैं तीन चेन के साथ करते हैं यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया है तो एक चेन ये देखिए उसके बन के उसके बाद दो और तीन चेन है यहाँ पर हमारी तीन ही आपको दिखेंगे लेकिन हमने एक सिंगल क्रोशिया किया दो हमने चेन बनाई तो वो तीन चेन के जितना हो गया अब तो यहाँ से तो ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट हो गया तीन की चेन के ऊपर और अब हम बैक पोस्ट करेंगे बाकी रो हम इसी तरह से बनाएंगे ये बैक पोस्ट किया है फिर यहाँ से उठाएंगे ये फ्रंट पोस्ट किया है फिर बैक पोस्ट किया है फिर फ्रंट पोस्ट किया है रो को कंप्लीट कर ले तो सेकेंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाला तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सेकेंड लास्ट स्टिच है यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया अब ये लास्ट स्टिच को बैक पोस्ट की तरह बनाया फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है बैक के ऊपर हमने बैक पोस्ट करना है तो ये लास्ट हमारा बैक पोस्ट का स्टिच है इसके बाद ये दो की चेन है और साथ में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था तो इसे हम इस तरह से उठाएंगे जैसे हम फ्रंट पोस्ट के स्टिच को लेते हैं तो यहाँ से उठा के यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया किया तो यहाँ से देखिए ये बिल्कुल फ्रंट पोस्ट की तरह बन जाता है इसके बाद हम दो चेन लेंगे तो टोटल यहाँ पर फिर से तीन चेन हो गई एक सिंगल क्रोशिया की दो वैसे हमने ली हैं तो ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट हो गया अब बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे फिर बैक के ऊपर बैक बनाएंगे, तो ये थर्ड हमारा स्टार्ट हो गया फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाला राउंड इसके आगे जितने भी हमने राउंड बनाने हैं सेम इसी तरह से बनाने हैं इसी तरह से ज्वाइन करना है तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ थोड़ा सा बॉर्डर बड़ा तो यहाँ पर टोटल मैंने पांच राउंड बनाए हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के इसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे ये देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया है पहला उसके बाद हमने एक और दो चेन ली थी सेकंड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे ये देखिए ये हमारा एक राउंड ये दो ये तीन ये चार और ये पाँच और ये वाला राउंड वो है जिसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट किया था ये जो हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर किया है इससे आपके हेड के ऊपर इसकी पकड़ बनी रहेगी ग्रिप रहेगी और बॉर्डर बनाने से पहले जो हमने ये देखिए ये बॉर्डर बनाने से पहले मैंने आपको मेज़र नहीं करके दिखाया ये नाइन एंड हाफ़ इंच थे लेकिन जब हमने बॉर्डर बनाया तो देखिए ये सेवन एंड हाफ इंच हो गई लेकिन जब आप इसे पहनेंगे तो ये फिर से खुल जाएगा उतना ही सेम वही हो जाएगा तो आप बॉर्डर जरूर बनाएं जिससे कि आपके हेड के ऊपर इसकी पकड़ बनी रहे और अब आप मैं मैं इसको मेज़र करके बता देती हूँ देखिए ये सात इंच था यहाँ तक जब हमने पहले मेज़र किया था उसके बाद हमने बॉर्डर बनाया तो ये एट एंड हाफ इंच के करीब हो गया है और अगर आपको ये लेंथ में थोड़ी सी कम चाहिए तो यहाँ पर देखिए हमने ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छिक्स तक हमने इंक्रीज किया था उसके बाद हमने उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक ग्यारह जिसके ऊपर हमने ये बॉर्डर बनाया है तो उसके बाद हमने ग्यारह रो बनाई है अगर आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ कम चाहिए तो आप दस रो बना के फिर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हैं अब हम इसके ऊपर फलार बना के लगाएंगे और फ्लायर हम इस तरह के फ्लावर बनाएंगे ये देखिए और यहाँ पर इन्हें लगाएंगे और इस फ्लावर की वीडियो कल अपलोड हुई है मेरे चैनल पर उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वहाँ से देखकर आप ये फ्लावर बना लें उसके बाद आप इन्हें कैप पर लगा सकते हैं तो अब मैं आपको फ्लावर्स को ज्वाइन करना बता देती हूँ ये देखिए चार मैंने इसकी बना ली पत्तियाँ इसके बाद एक दो तीन चेन लिए मैंने यहीं पर हम एक दो तीन और चार देखिए इस चेन में मैंने चार बार बनाया फिर इसके साथ वाली जो चेन है वहाँ पर भी हम चार बार बनाएंगे नेक्स्ट में एक दो तीन और चार अगर आपकी वूल पतली है तो आप इस तरह से चार चार बार बना लें लेकिन अगर आपकी वूल थिक है तो आप ये तीन तीन बार इस तरह से धागा लेकर बनाएं। अब हमने ये सारे स्टिच निकाल दिए इसके बाद इस तरह से हमने इन्हें पैक कर दिया इसके बाद हम देखिए इसके बाद हम इसके साथ इसे ज्वाइन कर देंगे ये देखिए बैक साइड है फ्लार की यहाँ से एक धागा नहीं लिया मैंने ये पूरा मैंने स्टिच यहाँ से उठाया है ये देखिए इस तरह से लेके ये फंदे को हमने इसमें से निकाल दिए अब इसके बाद हम एक दो तीन चेन लेंगे और तीन चेन लेकर हम इसे ज्वाइन करेंगे ये नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच में हमने इसे ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से इसके बाद फिर एक दो तीन चेन लिया हमने तीन चेन लेकर तीन चेन लेकर हम यहीं पर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है ये यह देखिए यहीं पर एक दो तीन चार फिर नेक्स्ट में ये देखिए फिर नेक्स्ट में एक दो तीन चार सारे स्टिच निकाल देंगे फिर इस तरह से इन्हें कंप्लीट करेंगे और अब इसके साथ हम इसे ज्वाइन कर देंगे ये देखिए हमने एक धागा नहीं उठाया ये पूरी चेन को लिया है इसमें से निकाल दिया हमने इसे इसके बाद एक दो तीन चेन लिए फिर हम नेक्स्ट चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे एक तो हम इस तरह से फ्लार को जोड़ सकते हैं जैसे हमने अभी क्रोशिया से जोड़ा एक हम इस तरह से जोड़ सकते हैं ये देखिए इसकी राइट साइड है ये दूसरे फ्लार की राइट साइड रखेंगे ये पत्ती के साथ सात पत्ती को मैच किया हमने इसे यहाँ से लिया ये पूरे स्टिच को और दूसरी साइड भी यहाँ से इसे लेंगे और थोड़ा सा हम इस तरह से डबल धागा लेंगे डबल धागा लेकर हम इसे यहाँ से दोनों में से निकाल देंगे और यहाँ पर इसके नोट लगा देंगे तो जैसे भी आपको इजी लगे आप उस तरह से इन्हें जॉइन कर लें आपस में यहाँ पर जोड़ा है फिर हम इस साइड को भी इस तरह से जोड़ देंगे रॉन्ग साइड से और ये बैक साइड आप इनके धागे काट के यहाँ पर इन्हें एडजस्ट कर ये दे। देखिए दोनों तरह से आप फ्लार को जोड़ सकते हैं दो तरीके से मैंने आपको बताया फ्लार को फ्लार के साथ किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं एक तो जब हम फ्लार बनाते हैं तो दूसरे फ्लार के साथ हम आधा फ्लार बना के दूसरे फ्लार के साथ हम उसे ज्वाइन करके दो जगह फिर कंप्लीट कर लेते हैं फ्लार को एक मैंने आपको बताया कि आप उस तरह से कर लें दोनों फ्लार को धागे से जोड़ लें या फिर इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं ये देखिए जो जब हमने फ्लार कंप्लीट किया उसके साथ मैंने थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रखा था उसी के साथ मैंने मोती लगाया और उसी धागे में मैंने इस तरह से सुई को पिरो लिया देखिए इस तरह से रखेंगे यहाँ से निकाल लें एक बार यहाँ पर नॉट बना लें इसके जो भी तरीका आपको इजी लगे उस तरह से आप इसे बना सकते हैं दो बार मैंने इसे इस तरह से धागे को घुमाया और तीसरी बार मैंने इसे इस तरह से नॉट बना के पक्का कर दिया इसी धागे को यहाँ से आप दूसरी साइड ले आए यहाँ पर एक बार पहले नॉट बना के पक्का कर लें फ्लार को हमने बस फ्लार के साथ जोड़ना है अटैच करना है किसी भी तरह से आप कर सकते हैं बस यहाँ से आप इसे नॉट बना के पक्का कर दें अगर आपने इस तरह से जोड़ने हैं तो फिर आप सारे फ्लार कंप्लीट बना के उनके ऊपर मोती लगा लें और फिर आप इस तरह से जोड़ लें ये स्टार्ट वाला और ये हमारा लास्ट वाला धाका इनकी नोट लगा कर यहाँ पर धाके एडजस्ट कर लें यहाँ पर देखिए टोटल मैंने ग्यारह फ्लावर इसमें जोड़े हैं यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह अब आप एक सिंगल क्रोशे की यहाँ पर रो बनाएंगे ये देखिए ये फ्लार को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है पहले एक नॉट बना लें स्लिप स्टिच किया हमने एक दो तीन चार चार चेन लिए हमने धागा लिया और ये होल में हम डबल क्रोशिया करेंगे इसके बाद एक दो तीन चार चेन लिए और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे एक दो तीन चार धागा लिया डबल क्रोशिया किया एक दो तीन चार चेन लिए यहाँ पर स्लिप स्टिच किया एक दो तीन चार चेन लिए डबल क्रोशिया किया तो इसी तरह से ये बनेगा आगे ज्वाइन करेंगे देखिए एक दो तीन चार चेन दिए और यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया था हमने यहाँ पर आकर हमने स्लिप स्टिच किया इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन चार और एक आप इस डबल क्रोशे के ऊपर बना लें चेन में इस तरह से चार हमने यहाँ पर बनाए हैं चार इस साइड बनाएंगे एक दो तीन चार चार बनाए चार यहाँ पर बनाए एक हमने इसके ऊपर बनाए टोटल नौ बनाए हैं यहाँ पर अब हमने नहीं बनाना अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन चार इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में बनाएंगे इस तरह से फिर चार हम नेक्स्ट होल में बनाएंगे एक दो तीन चार स्लिप स्टिच के ऊपर नहीं करेंगे फिर नेक्स्ट इस तरह से कंप्लीट कर लें लास्ट में ज्वाइन करेंगे ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में देखिए इस होल में जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया एक चेन लेंगे धागा काट देंगे सेम इसी तरह से इस साइड भी बनेगा तो अब आप देखिए इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है अब आप इसे मेज़र करके देखें देखिए दस इंच इसका मेज़र है लेकिन दस इंच का मतलब टोटल इसका राउंड बीस इंच है लेकिन जब आप इसे पहनेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा तो यही देखिए ये, ये ग्यारह इंच हो गया एलेवन इंच और टोटल राउंड इसका बाईस इंच हो जाएगा इसमें मैंने ग्यारह फ्लार लगाए हैं एक फ्लार हमारा दो इंच का बनेगा ये देखिए एक फ्लार हमारा दो इंच का है जब आप इस तरह से रख के देखते हैं तो ये देखिए ये पौने एक दो इंच का है लेकिन जब आप इसे पहनने के हिसाब से हम इसे खींचेंगे थोड़ा तो यही फ्लार दो इंच का हो जाएगा ये देखिए तो ग्यारह फ्लार हैं ग्यारह को दो पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाईस आएगा ट्वेंटी टू तो 22 टू हेड मेजर के लिए मैंने ये 11 फ्लार लगाए हैं अब आप इसे इस तरह से इसके ऊपर डाल लें और यहां पर आप सुई धागे से इसे स्टिच कर लें देखिए इस तरह से रखेंगे ये जो हमारे पांच फ्रंट पोस्ट हैं एक दो तीन चार पांच पांच फ्रंट पोस्ट छोड़ के यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर आप एक सुई लगा लें और यहां से पकड़ के पहले आप इसे कैप के ऊपर सेट कर लें फिर आप एक सुई इस साइड लगा लें एक दो तीन चार पाँच पाँच फ्रंट पोस्ट छोड़ के यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लें एक मैंने सेंटर में लगा दिए एक दूसरी साइड सेंटर में लगा देंगे यहाँ से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है जहां से हम ये फ्रंट पोस्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं ये चेन स्टिच है जो यहाँ से मैंने इसे निकाल लिया धागा इसी तरह से पीछे रहने देंगे लास्ट में आकर एंड वाले धागे के साथ इसकी नोट लगा देंगे स्टार्ट और एंड के अब देखिए यहाँ पर इसे लिया है एक स्टेप पीछे लेंगे यहाँ से फिर आगे जाएंगे बैक स्टिच के साथ इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे बिल्कुल फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाले रो को रो के ऊपर मैंने इसे ज्वाइन किया है जो सेवनटीन ये हमने बनाए हैं सेवन रो के एंड में मैंने इसे ज्वाइन किया है बस ये बॉर्डर हमने बस छोड़ा है आगे इसी तरह से इस साइड से भी और इस साइड से भी आप इसे ज्वाइन कर लें ये देखिए इस तरह से आएगा ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसे कैप के ऊपर अटैच कर दिया है अब मैं आपको ये पहना के दिखाती हूँ देखिए और बिल्कुल फ्रंट पोस्ट जो पांच फ्रंट पोस्ट हैं उसके बिल्कुल साथ मैंने इसे अटैच किया है और यहाँ पर यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक सेवनटीन रो बनाई थी छः प्लस ग्यारह उसके बाद पांच हमने फ्रंट पोस्ट की बनाई है उससे ये पूरा यहाँ पर माथा आपका कवर होगा लेकिन अगर आपको थोड़ी इस तरह से लंबी नहीं कैप चाहिए थोड़ी आप इस तरह से ऊंची पसंद करते हैं ज़्यादा तो फिर आप यहाँ पर सेवनटीन रो की जगह पर फिफ्टीन या फिर आप सोलह रो बना के फिर आप पाँच फ्रंट पोस्ट के कर लें जैसे आप ऊंचे पसंद करते हैं तो ये यह यहाँ से ऐसे उठ जाएगी तो ये यह यहाँ से उठ जाएगी तो फिर आप ये छः बनाए छः के, के, बनाने के बाद यहाँ पर नाइन्टी स्टिच आ जाएंगे फिर नाइन्टी स्टिच के साथ आप पंद्रह रो बना लें तो उसके बाद पांच आप ये बना ले अगर आपको ऊंची कैप पसंद है लेकिन अगर आप इस तरह से बिल्कुल ढकी हुई फोर हेड को कवर करती हुई कैप पसंद है तभी आप सेवनटीन बनाए सिक्सटीन भी बना सकते हैं तो ये आपकी चॉइस है आपको लंबी कैप चाहिए कितनी पंद्रह सोलह या सत्रह रो बना के फिर आप पांच फ्रंट पोस्ट के कर लें मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी ज़्यादा कवर करती है आप सिक्सटीन रो बनाएंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से आएगी ये जो मैंने कैप बनाई है ये ट्वेंटी टू हेड मेज़र के लिए बनाई है लेकिन अगर आपने इस कैप को छोटे साइज में बनाना है तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने पंद्रह के साथ स्टार्ट किया है फिर हमने छः राउंड बनाए हैं आप यहाँ पर चौदह के साथ स्टार्ट करेंगे तो छः राउंड बनाने पर आपके पास एट्टी फोर आएंगे आएँगे चौरासी और उसके बाद आप पंद्रह या सोलह ये वाली रो बना ले उसके बाद पांच आप फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाली बना ले अगर आप उससे आपके ये ट्वेंटी इंचज़ का हेड राउंड बन जाएगा और अगर आपको उससे भी छोटी बनानी है तो यहाँ पर आप तेरह स्टिच के साथ स्टार्ट करें थर्टीन फिर आप छः राउंड बना लें तो सेवनटी एट स्टिच हो जाएंगे अठहत्तर फिर आप उसके बाद छोटी कैप है तो आप यहाँ पर चौदह या पंद्रह राउंड बना लें उसके बाद ये जो है पांच आप फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बना लें उसी हिसाब से ये वाले जो फ्लार हैं वो भी कम लगेंगे अगर आप छोटी क्या बनाएंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू